हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। विज को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आईसीयू से कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया है। विज ने भी ट्वीट कर लिखा है कि भगवान की कृपा से, डॉक्टरों के प्रयास और आपकी प्रार्थनाओं के कारण आज मुझे आईसीयू से कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया है, सभी का धन्यवाद। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अनिल विज को अब ऑक्सीजन की जरूरत पहले से कम पड़ रही है। इसी के साथ उनके सीटी, चेस्ट और खून की जांच में भी सुधार आया है। यहां आपको बता दें कि इससे पहले 15 दिसंबर को कोरोना संक्रमित हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज को PGIMS रोहतक से मेदांता रेफर कर दिया गया था। 2 बार प्लाज्मा और अन्य दवाएं देने के बाद भी उनके फेफड़ों में संक्रमण बना हुआ था। परिजनों ने संस्थान के इलाज से असंतोष जाहिर कर बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाने की बात कही थी। हालांकि PGIMS प्रशासन ने बेहतर इलाज देने का दावा किया था। बताते चले कि हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, जिनका मेदांता द मेडिसिटी के ICU में COVID-19 का इलाज चल रहा है, उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और अब वे बेहतर महसूस कर रहे हैं। अस्पताल द्वारा बताया जा रहा है कि डॉक्टर विज के स्वास्थ्य में हो रहे सुधार से संतुष्ट हैं और उनकी ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता में भी कमी आई है। विज के ब्लड और अन्य टेस्ट रिपोर्ट में भी सुधार हुआ है। डॉक्टर AK दुबे ने बताया कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डॉक्टर दीपक गोविल, डॉक्टर आनंद जायसवाल और डॉक्टर सुशीला कटारिया ने विज का चेकअप किया है। विज के स्वास्थ्य में सुधार होने को लेकर उन्हें ICU से वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं बता दें कि विज ने भी ट्वीट कर ICU से वार्ड में स्थानांतरित करने की सूचना दी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.